मेरे हिसाब से हम पहली बार यहाँ सभा कर रहे हैं और इस सभा में जो नौजवानों का जो उत्साह जोश और जितने हमारे अभिभावक बुजुर्ग है, जिस हिसाब से आप लोग यहाँ उपस्थित है अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देने का। 11 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, मुंद्रिका जी हमारे बीच में नहीं है, मुंद्रिका जी हमारे पिता के साथ लगातार कंधे से कंधे मिलाकर के उन्होंने काम किया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, किसानों के नेता आज हमारे बीच नहीं, इस वजह से चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है तो हमारे महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके बेटे सुदेश जी को उम्मीदवार बनाया गया। हम सभी लोगों से अपील करने आए, लालू जी की तरफ से हम अपील करने आए, चाहे पिछड़े हो कि पिछड़े हो, दलित हो महादलित हो, हमारे स्वर्ण जाति के लोग हो या अल्पसंख्यक भाई हो, आज सब लोग, आप लोगों ने जब वोट दिया था मुंद्रिका जी को तो 5 साल सेवा करने के लिए वोट देने का काम किया। आज जो भी उनका अधूरा काम है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुदेश जी को और हम लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग लालू जी के हाथों को मजबूत कीजिए। और जो स्थिति जो बनी हुई है हम बता देते हैं, आज हम जनता की अदालत में आए हैं, आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं। जिस प्रकार से हमारे पिता, हमारे पूरे परिवार के साथ जो साजिशें चल रही है, केस मुकदमा जेल जो लगातार 1990 से लेकर के 2018 तक एक ही नेता और एक ही परिवार के पीछे छापा पड़ता है, केस दर्ज होते हैं, हम आप लोगों से आए हैं जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए। और जनता की अदालत में, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख तय होता है, सीधा फैसला होता है। और आप लोग फैसला कीजिए, न्याय कीजिए। हमारे चाचा नीतीश जी, पट्टू चाचा जी, हम लोगों के साथ धोखा नहीं बल्कि आप लोगों के जनादेश का अपमान, 12 करोड़ बिहारियों के साथ धोखा देने का काम किया। लोग कह रहे हैं हम तो पूरा बिहार में घूमे, संविधान बचाओ न्याय यात्रा में घूमे, लोग कह रहे हैं, आक्रोशित है, गुस्से में है कि भाई जिनको वोट दिया वो कारागार में है, जिनको वोट नहीं दिया वो चोर दरवाजे से सरकार में बैठे हुए थे। आप बताइए 4 साल में 4 सरकारें बन गई। नीतीश जी कहते हैं बिहार में बाहर है, किसान मार प्रदान कर रहा है, व्यवसाय मर रहा है, मंदी छाई हुई है, मजदूर का रोजगार छीन लिया गया बालू बंदी से, गिट्टी बंदी से, नौजवान बेरोजगार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, डबल इंजन की सरकार ने नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं मिला, हर जगह शराबी बिक रहा है, माफिया काम हो गया, माफिया राज। और हमारे चाचा कहते हैं बिहार में बाहर लोगों को इंदिरावास नहीं मिल रहा, किरासन तेल राशन नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा और महंगाई चरम सीमा पर। और ये डबल इंजन की सरकार, हम तो कहते बुलेट डबल इंजन की सरकार, लेकिन जो इंजन है वो आगे नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, घोटाले और आपका अपराध में लग गया। लगातार घोटाले पे घोटाले, 36 घोटाले हो गए नीतीश जी के 13 साल के शासनकाल में। जब कुर्सी से हटेंगे तो पता नहीं और कितने घोटाले उजागर होंगे। जो बेईमान लोग हैं सप्ताह में काबिज हो गए और लालू जी को फंसा दिया, हम पे मुकदमा किया, मेरे पे तो 25-25 मुकदमा किया।
रही है 18 महिला ईमानदारी से काम की, 18 महिला 25 मुकद क्या आरोप लगाए थे स्पीड पे कि जब 13-14 साल के हम थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और जब क्रिकेट खेलते थे, जब तेजस्वी का मूछ नहीं था तो रेलवे में बैठे घोटाला करता। आप बताइए गजब है भाई। हम माइनर थे, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, चलो ठीक है। मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी बहनों पे मुकदमा, मेरे जितने जीजा थे उन पे मुकदमा हो रहा है, मेरे बहन के ससुराल वालों पे, सास ससुर पे मुकदमा, पूरे परिवार को तंग किया जा रहा है, जनता से दूर रखने की साजिश की जा रही है ताकि गरीब के हित में लड़ाई न लड़े, आपकी आवाज को बुलंद न करे। हम लोगों का क्या दोष अगर हमने एक काम गलत किया? नीतीश जी, भाजपा के लोग, आप लोग सत्ता में बैठे हो चोर दरवाजे से, आप बता दीजिए 18 महीने में हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 3-3 डिपार्टमेंट चलाने का काम किया, एक गलत काम मेरा बता दीजिए, हमको सजा दे रहा हूँ सजा। अगर एक गलती है, ये कहाँ करना है, ये कहाँ करना है कि 13-14 साल का लड़का रेलवे में घोटाला कर देगा और यही लड़का जब नौजवान 28 साल का उप मुख्यमंत्री बिहार का बन जाएगा तो एक भी घोटाला नहीं करेगा, तो किसी को हजम होने वाला है? अब तो हम बड़े हो गया, हमने तो 18 महीने में बड़ा घोटाला किया होगा, जब 13-14 साल की उम्र में हमने घोटाला। हमने बस एक ही काम किया कि जो लोग खजाना और जो जो लोग RCP टैक्स ले रहे थे उनका दुकान बंद कर दिया। RCP टैक्स कॉन्ट्रैक्ट के लेता, उसलिए लोगों को नहीं पता। और हमने तो विधानसभा में बोला रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, RCP का मतलब रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, मतलब बिना ढोल घसों के एक काम नहीं होता, एक फाइल आगे नहीं बढ़ता है जब तक हम बड़े पथ निर्माण मंत्री, नोडल डिपार्टमेंट है पूरा वर्किंग डिपार्टमेंट का, ग्रामीण कार्य का भी गाइडलाइन वही तय करता, RWD का भी, भवन का भी, अर्बन डेवलपमेंट का भी। हमने क्या नियम बना दिया कि जितना टेंडर का फाइल होगा, EOT का फाइल होगा, वेरिएशन का फाइल होगा, मतलब कितना स्मार्ट लगेगा, कितना गिफ्टी लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, अगर कोई काम छोड़ देना। हमने क्या किया, एक कमिटी दिए हुए बिना इसके कोई फाइल नहीं बनता था, हमने कमिटी बना दी प्रधान सचिव के नेतृत्व में। अब मंत्री का लेना देना नहीं है टेंडर वेंडर से, जहाँ घूस घटोट जब काला बंदा बेकारी बजारी चलती थी, बहुत लोगों को ठेस पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य है लालू जी पे जेल भेज दिया, साजिश किया गया, प्रताड़ित किया गया, लगातार लालू जी का जीवन जो है संघर्ष कर रहा, छात्र आंदोलन से लेकर के JP मूवमेंट तक, लगातार छात्र जीवन से लेकर के अब तक बांध पर गया, 70 साल उम्र हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दिल का ऑपरेशन हुआ, उनको BP का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, लेकिन बार बार लालू जी को सताया जा रहा है, पूरे परिवार को सताने का काम किया जा रहा है। अरे हम पूछते मेरा जांच तो हो रहा है, लेकिन अगर अमित शाह का बेटा 50,000 से 80,000 करता तो उसका क्यों नहीं जांच करते हो? नीतीश जी का, सुशील मोदी जी का, इन लोगों का भी तो जांच होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? BJP में जो जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। हम लोग सुनते थे कि गंगा मैया में डुबकी लगाइएगा तो सारा पाप धुल जाएगा, तो गजब है भाई, जितना पापी है सब चल जाए BJP, सब पाप भूल जाए। तो लालू जी की गलती क्या है कि आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, गरीब के हित में काम किया, सब लोगों को एकजुट कर करके चलने का काम किया। बहुत लोग रूमर फैलाए हुए थे, अफवाह फैलाए, लेकिन लालू जी अपर कास्ट को नहीं मानते हैं,
हम लोग सब लोगों को लेकर के चलने का बात करते हैं। हम लोग तो जातिवादी को खत्म करना चाहते हैं, भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। सबको सम्मान इज्जत हो, सबको सम्मान अधिकार मिले, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोग तो ऐसा बिहार बनाए, आगे तरक्की करे। आप लोग गरीब गुरबा गरीबी को होता है, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार नाना शाह उद्योग जो कहते हैं, ये गरीबी नहीं बल्कि गरीब को आजाद देना चाहता है। अच्छे दिन आएंगे 2014 में, अच्छे दिन आएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख जाएंगे, मिला नहीं। और हमारे चाचा जी नीतीश जी कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। अरे भाजपा में तो आप चले गए लेकिन मिट्टी में कम मिलेगा ये बता दीजिए। नहीं मिलेंगे तो बिहार की जनता खड़ी है। अब बिहार की जनता छोड़िए ना, बीजेपी वाले ही लोग तैयार है मिट्टी में मिलाने। तो बड़ा है अच्छे से, ना इधर बनेगा ना उधर बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा राजनीति करेंगे तो 5 साल के, और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो आपका भाई भतीजा कम से कम 50 साल रहेगा। तो आप लोग तो मजबूती आ गई है, बेहतर भविष्य बनाना है, जहानाबाद को आगे ले जाना है, मगध के इलाकों को आगे ले जाना है, गरीबी मिटाना है, अमन चैन कायम करना है। आज दंगा फसाद करा करके लोग को उलझाए रखता है लोग कि अपना अधिकार ना मांगे, 15-15 लाख रुपए ना मांगे, 2 करोड़ रोजगार ना मांगे। लोग नारा लगा देते हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नौजवान सब बह के मम्मी पापा अपनी मोदी जी को। अब मोदी जी ऐसा बात कहे थे कि भाई लोग को विश्वास होगा, हमको प्रधानमंत्री नहीं हमको चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो। ऐसा चौकीदारी की है कि ललित मोदी निकल गए 1000 करोड़ लेकर के। मोदी जी बोलते थे काला धन लाएंगे या तो सफेदे धन विदेश भेज दिए। चौकीदारी ऐसा की, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, कोठारी और पता नहीं कितना लोग लाइन में है। हम तो कहते हैं कि सुशील मोदी जी का भी पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, वो भी मोदी का नारा लगाने वाले लोग हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं। उस समय हम लोग सचेत किए थे हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी है। अब पाकिस्तान की बात करने वाले लोग, आज यहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे, बिहार में एक नुमाइंदा नहीं किया सरकार का, यहाँ का मंत्री कहता है कि हमारे जाने से शहीद जिंदा हो जाएगा। कि जो देशभक्ति का जो लोग सर्टिफिकेट बांटते थे क्यों नहीं गया, शहीद के घर आंसू पहुंच रहे, जाने से हौसला बुलंद होता है, उनके परिवार का एक सम्मान होता, लेकिन शहीदों के यहाँ नहीं गया। अब बात करता है देशभक्ति का जिसका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की। आज हम लोग क्या है, पहले अंग्रेजों का गुलामी करते थे, अब अंग्रेजों के गुलाम के गुलामी करते रहते। तो ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, जो देश को बांट कर चीनी दल से घेर लिया, श्रीलंका डिस्टर्ब चल रहा है, नेपाल से संबंध खराब हो गया, पाकिस्तान इधर से, बांग्लादेश इधर से, मालदीवों में चाइना घुस गया। कहाँ है मोहन भागवत जी आपका सेना, कहाँ है? आपने तो सेना के लोगों का अपमान किया था, RSS के लोगों, बोला ना कि सेना को लड़ाई के लिए तैयारी में 6-7 महीना लगेगा, और RSS के लोगों को जो हाथ पर चलते हैं पेट निकला रहता है वो लोग 3 दिन में लड़ने के लिए तैयार है। अरे कहाँ छुपे बैठे हैं, जाइए ना सीमा पर, बताओ कितना RSS का लोग शहीद हुआ है, क्या रहा तुम्हारे देश का दर्द में, क्या भूमिका रहे, आज क्या स्थिति बनी हुई। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, होशियारी से इधर उधर नहीं होना है। अगर बेहतर भविष्य बनाना है तो निर्णय आप लोगों को लेना है। आप बताइए बिहार की बोली लगाई थी नीतीश जी ने, लगाई नीतीश जी ने क्या बोला था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या क्या नहीं किए थे नीतीश जी, तो छोड़िए उनका क्या बोले।
जो डीएनए का गाली जिसका गंदा गाली नहीं होता, नीतीश जी क्या बाल कटवा के नाखून कटवा के नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली भेजेगा? बोले मेरा अपमान है पर पूरे बिहार को गाली दिया, पूरे बिहार को गाली दिया तो आपका डीएनए मैच हो गया। हाँ आप कैसे चले गए जो बिहार को गाली दे रहा था? हाँ तो कोई जवाब नहीं, नीतीश जी खुद सजा आता है। पटियाला कोर्ट से 20,000 का जुर्माना लगा दिया गया चोरी के इल्जाम में, लेकिन कहीं न्यूज में चर्चा नहीं है। खुद पे हत्या का मुकदमा चल रहा, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, लेकिन लड़ाई है बिहार सरकार वश से नीतीश कुमार को न्याय होगा। बिहार सरकार ने केस किया नीतीश कुमार पे और नीतीश कुमार लड़ रहे हैं बिहार सरकार से, क्या मतलब? कोई जांच होने वाला, कोई जांच नहीं होने वाला। कई लोग बोलते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्या हुआ बजट को? बिहार को मिला आप लोगों का अधिकार? नहीं। मोदी जी बोली लगाते हैं 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, 90,000 करोड़ दू जो 16,00,000 करोड़ रुपया दिया, एक पैसा बता दो अगर बिहार को मिला हो तो। ये बाहर आया अभी घोषणा कर दी गया की 500 करोड़ रुपया हम बिहार को देंगे, बाहर रहा आपने एक पैसा अगर मिला तो बता दो कहाँ गया डबल इंजन, कहाँ गया डबल इंजन? ये नई सरकार जो बनी है 6-7 महीने में कौन सा काम किया? माफिया लोग एक गिरफ्तार नहीं हुआ शराबबंदी में, अभी एक गिरफ्तार नहीं हुआ शराबबंदी में, गिरफ्तार कौन हो रहा है? गरीब जेल जा रहा, ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अपना खुद का बेल नहीं करा पा रहा। नीतीश जी को बताना ना चाहिए कितना अधिकारी ऐसे दारू पीते हैं, कितना नेता को अपने जेल में बंद किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। शराबबंदी से 1,30,000 करोड़ लोग जेल में चले गए, कोर्ट में अलग भार हो गया कि इनका मुकदमा कैसे निपटा, पहले से ही कितना स्लो चलता धीमा चलता निर्णय नहीं हो पाता, अब 1,30,000 ऐसे ही मुकदमा हो गया। दूसरे हम ज्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन जब पिताजी को जब जेल भेजा जा रहा था तो हम लालू जी के साथ रांची में थे, हमारे पिता ने बोला हमको बेटा घबराना मत निराश मत होना, पूरे परिवार पे ऐसे मुकदमा करेगा जब तक चुनाव है, हम पे तो चलो केस कर दिया लेकिन चाची अब तक नहीं कर पाया, 90 दिन के भीतर कर दे रहा था, 8 महीना हो गया चाची के नहीं हुआ मेरे पे, कोई गलती है नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। सुशील मोदी जी बैठते थे इतना डॉक्यूमेंट लेके, ई सबूत जब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां सीबीआई ईडी आईटी और नेता जब सबूत लेके बैठे तो चाची में देर क्यों लग रहा है भाई? अगर देर हो रहा तो समझ जाइए लालू जी को तो जेल भेजा, अब लोग चुनाव के आसपास कोशिश करेगा कि हमको भी फंसा के जेल भेजने का। अब मांझी जी के आने के बाद तो हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन में जो मजबूती मिली हम धन्यवाद देते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमारे अभिभावक को हम धन्यवाद देते हैं कि संकट की घड़ी में दुख की घड़ी में लालू जी के हाथ को मजबूत बीजेपी से सामने किसा करा उधर चंद्रबाबू नायडू किसा किया आंध्र से, इधर से केरला महाराष्ट्र से किसा किया, पंजाब से अकाली दल, बिहार से मांझी जी, कोई सम्मान नहीं किया एनडीए के लोगों ने। तो उसमें हमको पिताजी ने बोला कि तुम लोगों को तंग करेगा, निराश मत होना बेटा, गरीब का लड़ाई लड़ना और जब भी निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना, आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आए और हम कह सकते हैं कि आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि हमारे पिता भले जेल में है लेकिन उनकी कमी को हम आपके भाई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के मालिक आप लोग हैं, आप लोग हम लोगों को रसमिलाई करने का काम करेगा और यहाँ से हमारे जो उम्मीदवार है सुरेश जी को आप लोग भारी कि आप लोग अपने भाई बेटे को एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ उठा करके नीतीश जी को बताना है ना, जिताने आना, आप लोग का
आशीर्वाद है, इसलिए गांधी जी से हम बोलेंगे वही बनाएंगे, जो गार्जियन होगा वही बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। तो अपनी बात को समाप्त करते हैं, गांधी जी को भी अपनी बातों को रखना है। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय जय।